हेलो गाइस, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं एके टेक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी कूल और अमेजिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि अगर आप एक बार अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अपने फ़ोन से उसे अनइंस्टॉल करने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों, और इन ऐप्स के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि इन एप्लीकेशंस का काम क्या है। वैसे तो इस लिस्ट में सारी एप्लीकेशन ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस लिस्ट की जो तीसरी एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छी है, जो कि आपके फ़ोन में पांच छः छः ऐप का काम अकेले ही कर लेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और उस तीसरी एप्लीकेशन को ज़रूर देखिएगा जो कि मैं इस लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है स्पेस अप। तो दोस्तों, स्पेस अप बेसिकली एक कंप्रेसर एप्लीकेशन है, जो कि आपके बड़े एप्लीकेशंस को, जो कि ज़्यादा जगह लेती हैं आपके फ़ोन में, उनको कंप्रेस करके छोटा बना देती है। तो इस प्रोसेस की वजह से आपको कोई भी एप्लीकेशन स्टोरेज इशू की वजह से डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले इस ऐप को ओपन करेंगे तो पहले आपके फ़ोन को ये स्कैन करेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आप कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन कंप्रेस करना है वो आप सेलेक्ट करके कंप्रेस सेलेक्टेड ऐप पे क्लिक करके आप अपना कंप्रेशन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ये करीब 100 MB के एप्लीकेशन को 5 या 6 MB तक के कंप्रेस कर सकती है। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, तो आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली ऐप का नाम है फेस रिग। फेस रिग एक बहुत ही कूल एप्लीकेशन है, जो कि आपके कैमरे का यूज़ करके आपको बहुत सारे अलग अलग एवटार्स में कन्वर्ट करती है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। ये फीचर आपने लेटेस्ट आईफोन 10 में देखा होगा, जो कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे ला सकते हैं इस छोटी सी ऐप का यूज़ करके। दोस्तों, ये काफ़ी कूल एप्लीकेशन है, जिसे आप अपने आप को बहुत सारे एवटार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कैमरे का यूज़ करके, और वो बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे जैसे ऐप ऐड करेंगे। दोस्तों, आपको इस ऐप में बहुत सारे अवतार देखने को मिल जाएंगे, जैसे उनमें से एक है ये फेमस WWE सुपरस्टार, और आपको इस ऐप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपना फेस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी टेक्निकली कूल लग रहा है। तो आप इसे रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली ऐप का नाम है फूयू, जो कि बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है और 5-6 एप्लीकेशंस का काम खुद ही कर लेती है। तो आपको इसे इंस्टॉल करने के बाद, सारी परमिशन अलाउ करने के बाद, आपका ये ऐसे यहाँ पर फ्लोटिंग आइकन दिखाई देगा, जो कि आप अगर लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो आप बैक का काम करेगा ये, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके इसे अगर लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो आपको बैक बटन बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उनमें से एक फ़ीचर है, और अगर आप इसे टैप करके होल्ड करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर आपके रीसेंट एप्लीकेशन जो आपने यूज़ किए हैं और रिसेंटली जो इंस्टॉल किए अपने फ़ोन में, वो देखने को मिल जाएंगी। तो आप इन शॉर्टकट का यूज़ करके डायरेक्ट आप अपने एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी कूल लगेगा। और इसका और भी एक फ़ीचर है, जो कि आप किसी भी फ़ोटो को क्रॉप करके गूगल पे इसी ऐप के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अगर किसी भी सेलिब्रिटी को आप जानना चाहते हैं या और वीडियो में जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पे कि ये बंदा कौन है, तो आप उसे क्रॉप करके गूगल पे डायरेक्टली इसी ऐप के थ्रू सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। और आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी मीनिंग जान सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर हैं इस ऐप में, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी ऐप है ये, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे इस ऐप से। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में अगली एप्लीकेशन का नाम है वीडियो वॉलपेपर। वीडियो वॉलपेपर एक बहुत ही कूल एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, जो कि आप अपने वॉलपेपर पे रख सकते हैं, जो कि आपके वॉलपेपर बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, जैसे कि एक वीडियो प्ले होती है, लेकिन वो एक्चुअली में आपका वॉलपेपर रहेगा। तो आप इससे बहुत कूल लग सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आप इसे जो भी आपको चाहिए वो सिंपली आप डाउनलोड करके इस पे सेट कर सकते हैं अपने वॉलपेपर पे। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इसको सेट करेंगे अपने फ़ोन पर, तो ये बैकग्राउंड में प्ले होना चालू हो जाएगी, जो कि काफ़ी कूल लगता है। तो आप किसी भी एक वॉलपेपर को डाउनलोड करके अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, जो कि उसके बाद आपके बैकग्राउंड में चलता रहेगा, जैसे एक लाइव वॉलपेपर चलता है।
तो दोस्तों आपका कोई भी वॉलपेपर सेट करने के बाद कुछ ऐसे लगेगा जैसे कि आपके बैकग्राउंड में वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन वो वीडियो नहीं है, एक्चुअली में आपका वॉलपेपर है, जो कि काफ़ी कूल लगेगा। और आपके सब फ्रेंड्स आपसे पूछने लगे हैं कौन सा ऐप है बताना भाई बताना, तो आप उसे ये वीडियो दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये आप ऐप ज़रूर से यूज़ कीजिए क्योंकि ये काफ़ी कूल लगती है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में आखिरी ऐप का नाम है स्पीच नोट्स। तो स्पीच नोट दोस्तों जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, नोट्स लेने के लिए एक एप्लीकेशन है जो कि आपके वॉइस पे काम करती है। आप इसमें वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो कि हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को बिल्कुल एकदम अच्छे से रिकग्नाइज कर लेती है। जैसे कि आपको मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ, हाई हाउ आर यू डूइंग। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से रिकग्नाइज़ कर ले रही है आपकी वॉइस को, और आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो भी रिकग्नाइज़ कर लेगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ, और भाई क्या हाल है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऐप हिंदी में भी आपकी वॉइस को अच्छे से रिकग्नाइज़ कर लेगी। तो आप इस ऐप में बड़े ही आसानी से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, और आपको बहुत सारे वर्ड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आपके ये बहुत काम आ सकती है एप्लीकेशन। तो दोस्तों आज की इस लिस्ट में और इस वीडियो में इतना ही ऐप से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल AK Tech & Tricks को। और अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप का लिंक नीचे है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप मुझे पर्सनली भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन गाइस कीप स्क्रोलिंग योर डिवाइस, बाय।